My name is Hazel. I am in 5th standard. My school name is Halvasya Vidya Vihar. I am from Bhiwani. I love dance. My hobbies are dancing, playing, studying and cycling. Dance ka mujhe shuru se hi bahut shauk tha. मैं स्कूल में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ. फैंसी ड्रेस, डांसिंग. मैंने एक बार फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट किया था, उसमें मेरी सेकंड पोजीशन आई थी और डांस में भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी. और मैंने KKHD में भी अभी पार्टिसिपेट किया है. किसमें कितना है दम, मेरे को किसमें कितना है दम का इंस्टाग्राम से पता चला. मेरा फर्स्ट राउंड ऑनलाइन था, सेकंड भी ऑनलाइन था और बाकी सब राउंड मेरे सोनीपत में थे. अब मैं फाइनल में पहुंच गई कि मैं फाइनल जीत गया हूँ. मैं गौर से ये पे करती हूँ अपनी फैमिली का और अपनी सिटी का नाम रोशन करूँ. मेरा ड्रीम है कि मैं डांस कोरियोग्राफर बनूँ.
पंच दहजा हलवासिया विद्या विहार भिवानी का प्रशासक हाँ। ये विद्यालय पूरे इंडिया बहुत उच्चे दर्जे का होंगे। इस विद्यालय के बच्चे हर फील्ड गूगल तक पहुंचे हुए हैं। बहुत अच्छा टैलेंट है बच्चे। मैं पता लगा है कि साड़ी एक बिटिया है जो थोड़ा जो प्रोग्राम है इसमें कितना है दम बस पार्टिसिपेट कर लिए तो वो फाइनल पहुँच गई। साढ़े वास्ते इस तो बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि साड़ी छोटी जी बच्ची थोड़े इतने बड़े प्रोग्राम है इतनी ऊंचाई तक पहुंची है। साड़ी बड़ी शुभकामनावान ने ये बच्ची थोड़ा सारा इनाम जीत के लियावे। साडा का नाम उच्चा होगा, माँ बाप का भी होगा, समाज का भी होगा, बच्चे का भविष्य भी बड़ा उज्ज्वल होगा क्योंकि अच्छे ट्रैक पे अच्छे रास्ते पे चल रही है। मेरी शुभकामनाएं दुआ आशीर्वाद इस गुड़िया के नाल ने। मैं चैनल का बड़ा धन्यवादी हाँ उन्होंने साडा विद्यालय साडा स्कूल चुनिया इतने आके साडी इज्जत की मान किया। तो मैं तुहानू भी थोड़ी बड़ी शुभकामना देना कि अगर तरक्की करो बढ़ते रहो तो ना आता रहे थोड़ा भी तो साडा भी। विमलेश आर्य प्राचार्य हलवासे विद्या विहार भिवानी। अभी पता लगा किसमें कितना है दम इस कंपटीशन में हमारे विद्यालय की बहन हेजल जो कि फिफ्थ क्लास में पढ़ती है उसने 4 राउंड पार करके फाइनल में प्रवेश किया है। इसके लिए मैं उनके बेटी को हेजल को और उसके परिवार को और चैनल वालों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार के आयोजन में जो है पार्टिसिपेशन कराया और चैनल वाले विद्यालय में आकर के यहाँ पर बाइट ले रहे हैं, क्लिप बना रहे हैं। हेजल केवल डांस में ही नहीं फोर्थ क्लास में ओवरऑल 99.6 मार्क्स परसेंट लेकर के सेकंड पोजीशन हासिल की है। अभी जैसे मैंने पिछले दिनों वैदिक मैथ की क्लास ली तो मैंने इनसे बात की तो ये मैथ में भी उतनी इंटेलिजेंट है जितनी डांस, और मैं कहता हूँ कि डांस में भी कैलकुलेटेड स्टेप्स लेती है। इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और ये फाइनल में प्रथम स्थान प्राप्त करे और विद्यालय और हरियाणा का नाम और राष्ट्र का नाम रोशन करे। I Sala Sharma, the Vice Principal of Hlwasia Vidya Vihar and also HOD of Primary Wing. I want to tell you that Hazel is a very good, very intelligent, very hardworking and very honest girl. She is very brilliant in all activities. Now, I would like to say that she is a good dancer also. We feel proud of her. She had won second prize, first prize in our school in fourth class. Now I wish for her bright future in Kisme Kitna Hai Dam. It's a very great proud for us and our school. Okay, thank you. Now we are going to sing a song. So are you ready? Yeah. First of all, I'll sing, then after me, you can. Okay. विद्या के मोती चुन चुन कर फूलों की झोली भर देना। विद्या के मोती चुन चुन कर फूलों की झोली भर देना। विद्या के मोती चुन चुन कर फूलों की झोली भर देना। भगवान मेरी फुलवारी को दुनिया में ऊंचा कर देना।
dance teacher. She is very good in dance and as well as in studies also she is very good, and I have seen her passion in dance. Like whatever steps I just teach Himna, she done with passionately, and I just feel proud that she is my student, and I will be more happy if she got a prize in your channel that Kisme Kitna Hai Tum. Thank you. Actually, Halwasiya Vidya Vihar is one of the most prestigious school of Haryana, and we focus on not only academics but all the activities, dance, computer, yoga, meditation and so many activities for the all-round development of student. And our student Hazel got selected in this Kisme Kitna Hai Tum. So we are really proud to have such a student like Hazel. And I wish for the bright future and to win so many prizes in all the competitions. She already is a very brilliant student. So thank you. I, Mohini Mehta, counselor of the school, I feel proud like Hazel as a schoolmate, and she got a fourth position in Kisme Kitna Hai Tum, and I wish her bright future in all aspects of life. Thank you so much. नमस्कार जी, मैं पवन अरोड़ा, मैं हेजल का मामा लगता हूँ। हेजल को डांस का बचपन से ही बहुत शौक है। जब भी हेजल हमारे घर आती है टीवी चलाना और डांस करना लग जाती है। हेजल ने किसमें कितना दम है मैं पार्टिशन किया था, 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हेजल फाइनल जीत के आए, हमारी फैमिली का, हमारी सिटी का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। Myself Sumit Kumar, working in HDFC Bank Limited and living in city Bhiwani, Haryana. I am Hazel father and my daughter selected in Kisme Kitna Hai Tum in final selection, and my wish is always with her, and I know that she is in that Kisme Kitna Hai Tum, achieve many achievements and awards in Kisme Kitna Hai Tum. हेजल को स्टार्टिंग से ही मतलब कि डांस के बारे में काफ़ी अच्छा लगता है उसको करना, पर वो पहले छोटे स्टेज पे करती थी मतलब कि घर में फंक्शंस में, तो जैसे जैसे की मम्मी ने भी इसके जो इसमें था कि इसको आगे लेवल पे जा सकती है, तो हमने जस्ट स्टार्ट किया। तो पहले तो सबसे पहले हमने वर्क आउट किया कि कौन सिखाता है भिवानी में, तो ऑनलाइन हमने देखा कि भिवानी में कौन नियरेस्ट है, तो बाय चांस हमें एक रोनी डांस सेंटर मिला, तो हमने सर्च आउट किया। तो बाय चांस जब मैंने फर्स्ट कॉल की तो वो मेरे यहाँ बाहर ही खड़ा था आटा चक्की पे, तो मैंने उसको कॉल किया, वो घर आ गया। तब उसने ये उसकी फर्स्ट स्टूडेंट थी, और उसकी जब वो स्टूडेंट बनी उसके बाद उसके अपॉर्चुनिटी उसको भी और भी काफ़ी ज़्यादा मिली,
तो धीरे धीरे 6-7 महीने सीखी। तब इसके मम्मी ने ऑनलाइन देखा कि इंस्टाग्राम पे कुछ किसमें कितना आइटम का कोई शो है, तो वहाँ पे इन्होंने व्हाट्सएप पे डाला, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि आप अपनी वीडियो भेजिए। देन हमने ऑनलाइन ही ऑडिशन भेजा, तो वहाँ से रिजल्ट आया कि यू हैव सिलेक्टेड, देन गोइंग फॉर द मेगाराउंड। और मेगाराउंड भी हमने ऑनलाइन ही दिलवाया, और कुछ था हमने जा पाया सोने पर उस टाइम, देन वहाँ भी जज ने उसको सिलेक्ट कर दिया मेगा में। देन नेक्स्ट आया क्वार्टर फाइनल इन सोनीपत, तो वहाँ पे हमने गए हम क्वार्टर फाइनल में भी, वहाँ भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा इसलिए वो सिलेक्ट हुई वहाँ पे। और तब हमने नेक्स्ट को लाया सेमीफाइनल के लिए, वो भी सोनीपत में ही था, तो वहाँ भी हम इसको लेके गए, मतलब जो उसका स्पोर्ट चीज हमने दिया, तो उसको हम आगे भी लेके आगे भी जाएंगे फाइनल तक जहाँ भी होता है। तो वी आर ऑलवेज विद हर एंड आवर बेस्ट विशेस विद हर ओनली, थैंक यू। हेजल मदर। सपने सब देखते हैं और किसी किसी के पूरे होते हैं, किसी के रह जाते हैं। मुझे बचपन से म्यूजिक डांसिंग का बहुत शौक था, तो मैं कुछ नहीं कर पाई उसमें। तब जब मेरी गुड़िया हुई, मैंने सोचा ये जब भी टीवी चलता था नाचने लग जाती थी, इधर उधर खड़े खड़े कर नाचते रहना, खाते पीते उठते बैठते, इसके हाथ पैर चलते रहते थे। तो मुझे लगा शायद जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी गुड़िया करे, तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, डांसिंग में आगे ले जाते हैं, तो उसको सिखाना स्टार्ट किया। इसको ज़्यादा बाहर घूमना अच्छा नहीं लगता, ये सारा टाइम मेरे साथ ही स्पेंड करती है, हमेशा मेरे साथ खेलना या अपनी फैमिली में आना जाना, बस इन मतलब मम्मी के घर मेरे और इधर और उधर। बाकी इसके फ्रेंड सर्कल काफ़ी हैं, बट ये फिर भी सारा टाइम या तो अपनी डांसिंग में, स्टडी में, स्केटिंग कर लेती है, साइकिलिंग कर लेती है, मतलब अपना फुल ऑन इन्जॉय, सारा दिन पूरा वर्कआउट इसी में ही कर देती है। और बचपन में बड़ी नोटी थी, बहुत ज़्यादा शरारतें भी करती थी, बहुत सारी चीज़ें भी तोड़ी हैं इसने मेरी, जो तोड़ा ताड़ी किया बहुत ज़्यादा किया घर में इसने। और हमेशा मतलब मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी कि चल मस्ती भी अपनी जगह है पर अपना फ्यूचर भी अपनी जगह है। आई होप मैं इसका फ्यूचर अच्छे से बनाऊँ, और मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स वरुण बंसल जी का करूँगी जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे पेरेंट्स और बच्चों की विशेष पूरी हो रही हैं, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल अपने हस्बैंड का भी करूँगी जो मुझे पुश कर रहे हैं, मेरी गुड़िया को मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा तहे दिल से, तो पूरी टीम का, KKSD की टीम का तहे दिल से धन्यवाद है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये फाइनल जीत कर आए और अपनी सिटी और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने स्कूल, सभी का नाम रोशन करे और हमारा भी सपना पूरा करे, स्पेशली मेरा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम वंश अरोड़ा है, मैं हेजल का बड़ा भाई हूँ, हेजल को बहुत प्यार करता हूँ। हेजल जब भी आती है हमारे घर वो डांस करती रहती है, उसे डांस करना अच्छा लगता है और हम भी उसे अप्रिशिएट करते हैं कि वो डांस करे, हमारा नाम रोशन करे,
हमसे भी बहुत प्यार करती है। हम दोनों भी बहुत मस्ती करते रहते हैं, हम खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत मजे करते हैं, साथ में घूमने भी जाते हैं। हेजल अब KKHD के 4 राउंड कंप्लीट करके फाइनल राउंड पे पहुंची है और हम तो यही चाहते हैं कि हेजल अब फाइनल राउंड भी क्लियर करे, नाम रोशन करे हमारा। हम हेजल को बेस्ट विशेष देते हैं कि वह जीत गए। मेरा नाम पूरण देवी है, मैं हेजल की नानी लगती हूँ। हेजल हमारी इकलौती नाती है, हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। जब भी वो हमारे घर आती है सब खुश हो जाते हैं, उससे बड़ा लाड़ चाव करते हैं। वो परिवार हमारे घर में इकलौती लड़की है और इसको जब टीवी चलता है तो इसको पहले बचपन में बहुत छोटी थी तो ये खिलौनों से बहुत खेला करती थी। अब फिर जब थोड़ी बड़ी हो गई तो इसको डांस का शौक हुआ, टीवी में जब गाना चलता था तो ये अपने हाथ पैर मारने लग जाती थी और साथ नाचने लग जाती थी। तो हम सब इसको कहते थे इसको तो डांस का बहुत ही शौक है, इसको तो डांस में होना चाहिए। इसके माँ बाप ने इसको बहुत सपोर्ट किया और ये 4 राउंड पार कर चुकी है, अब 5वें राउंड में है और ये हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं ये 5वां राउंड जीत कर आए और माँ बाप का नाम भी रोशन करे और फैमिली का नाम भी रोशन करे। The mother-in-law pointed at the bamboo door. Next morning, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. So he removed the bamboo door and carrying it with him. अब मैं आपको हेजल की कुछ यादों के बारे में बताना चाहती हूँ जो बचपन से लेके अब तक की मेरे पास प्रेजेंट यादें हैं उसकी। सबसे पहले फर्स्ट ये वाली पिक है जो इसने फर्स्ट कदम उठाया था, फर्स्ट स्टेप चला था अपने पैरों से और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इसने मेरी गुड़िया चलना सीख गई है और पता नहीं अब चलते चलते कहाँ तक हमें बुलंदियों तक ले जाएगी। उसके बाद मैं इसके साथ कुछ ना कुछ करती रहती थी घर पे, कभी इसको कुछ बना दिया, कभी इसको कुछ बना दिया। फिर मैंने ये एक दिन इसको ऐसे ही दुपट्टा डालकर, ऐसे ही मतलब कुछ माला वाला डालकर और इसको दिखाया तो मुझे बड़ी सुंदर लगी और मेरे को मतलब क्यूट सी लग रही थी तो मैंने इसकी फोटो कैप्चर कर ली। उसके बाद हमने इसका फर्स्ट बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया था क्योंकि जब ये हुई थी तब मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। फिर हमने सोचा नहीं थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फर्स्ट बर्थडे इसको याद भी रहेगा, इसको दिखाएंगे हम इसकी पिक्स। तो हमने इसका फर्स्ट बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, पूरी फैमिली को इनवाइट किया था, सबने इसको आगे ब्लेसिंग दी थी, विशेस दी थी। फिर उसके बाद मैंने इसको, नियर अबाउट घर के पास एक क्रच था स्टार्टिंग में, तो जब ये 2.5 ईयर्स की थी तो मैंने उसको क्रच में डाला और वहाँ पे फर्स्ट इसका फेस्टिवल आया जन्माष्टमी तो मैंने उसको सेलिब्रेट कराया, वहाँ इसको राधा रानी बनाया था। उसके बाद स्कूल में भी परफॉर्म करती रहती है, ये इसकी स्कूल की KG क्लास की परफॉर्मेंस है जिसमें ये हेजल ब्लैक ड्रेस में जो खड़ी है इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद हम कभी कभी कहीं घूमने भी चले जाते हैं, कहती रहती थी छुट्टियां होगी, हॉलीडेज है, मुझे घुमाओ, तो हम इसको लेके गए थे गोवा। तो ये 2018 में हम गोवा गए थे और वहाँ हमने इसकी यहाँ पर समुन्द्र के पास पिक कराई थी और इसने बहुत इंजॉय किया था वहाँ पर। उसके बाद जब ये फर्स्ट क्लास में हुई तो इसने पंजाबी ड्रेस में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और इसने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी थी। वेलकम सॉन्ग था इसका जी आओ जी और इसके पर इसने परफॉर्म दिया था और इसका ये भी बहुत अच्छा गया था परफॉर्मेंस। उसके बाद ये सेकंड क्लास में हुई तो
मतलब ये पोजीशन पे आई थी तो सर ने इसको सेलिब्रेट करवाया था और मतलब अवार्ड वगैरह दिए थे, तो इसकी ये भी एक डांस की परफॉर्मेंस थी। उसके बाद हम ढलोजी गए थे बहुत टाइम बाद, फिर थोड़े से स्पेस के बाद घूमने, तो वहाँ इसको ड्रेसिंग का बहुत शौक है इसको कि मैं बदल बदल के ड्रेसेस डालूं, तो इसको मैंने कश्मीरी ड्रेस में करवा के वियर करा के इसकी वहाँ पे पिक कराई थी। और एक छोटी सी बीच में पिक रह गई, छोटी सी थी, हम स्केट कर रहे थे और ये बर्फ पर बैठी थी अकेले, तो ये देखी जा रही थी, मम्मी पापा अपनी फोटो कराई जा रहे हैं, तो मैं तो इंजॉय नहीं कर रही। तो उस भैया जो स्केट कराने वाले थे ना, उनको मैंने कहा ये करा दो आप इसे, वो बोला ये तो बहुत छोटी है ये कैसे करेगी इसके ऊपर, मैं आप कराओ तो सही बहुत इंजॉय करेगी ये। और देखो कितनी स्माइल करके, यहाँ नियर अबाउट सारे मतलब इसको देखने लग गए थे जब कि जब स्केट कर रही थी, तो छोटी सी गुड़िया की स्केटिंग डालकर इसकी पिक ले रहे थे, ऐसा खूब इंजॉय किया था बर्फ में भी। सो थैंक यू, ये इसकी छोटी छोटी यादें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो थैंक यू सो मच। फंक्शनों में पार्टिसिपेट किया जिसमें इसने अवार्ड भी जीते, फिर ये घर आई हमने इसको देखा, बहुत ही ये अच्छा डांस करती थी, जब भी आती मस्ती करती रहती। और ये हम KKSD के ऊपर इसने परफॉर्म किया, वहाँ इसने 4 लेवल क्लियर किए, अब ये 5वें लेवल पे पहुँच चुकी है और हम चाहते हैं कि ये फाइनल जीत कर आए और हमारा सपना पूरा करे और हमारी सिटी का, हमारे शहर का, हमारा सपना पूरा करे। मैं अपने पेरेंट्स और मेरे डांस टीचर को थैंक करती हूँ जो मुझे सब बहुत सपोर्ट करते हैं और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक्स माय पेरेंट्स। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHT की पूरी टीम का जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHT।